हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करता हूं आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी हटके थोड़ी सी झटके होने वाली है, आ गया भाई, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 के प्रोडक्ट्स। शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में आए पिक्चर्स के प्रोडक्ट को, हालांकि उनके प्रोडक्ट को डील नहीं मिली, बट जो वीडियो देख के, जो जायका देख के जो मज़ा आ रहा था, क्योंकि जो इनका प्रोडक्ट था बहुत चीज़ी था, बहुत क्रीमी था और कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स लग रहे थे। और आपको तो पता है हमारा काम है दिखाना और खाना, आप तक वीडियो पहुँचाना, इसीलिए हमने उनके प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर दिया। और जी हाँ, अगर मैं उस प्रोडक्ट की बात करूँ तो वो है उनके प्रोडक्ट्स पिज़्ज़ा गैलेरिया के प्रोडक्ट्स। पूरा भारत बोलेगा पिज़्ज़ा मतलब पिज़्ज़ा गैलेरिया। और आज हम उन्हीं का जायका आप तक पहुँचाने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ पिज़्ज़ा गैलेरिया की, जैसे कि शार्क टैंक में बताया था, जो पिज़्ज़ा गैलेरिया है वो स्टार्ट हुआ था गोहाना से, और अभी इनके 50 आउटलेट्स हैं दिल्ली, NCR, चंडीगढ़ में, और बहुत नाम कमा रहा है ये अभी पिज़्ज़ा गैलेरिया। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इनके प्रोडक्ट्स मंगाएं और इसका रिव्यू करके आप तक बताएं, ताकि आप लोग भी मंगा सकें। हालांकि अभी जो इनकी ब्रांचेज हैं वो सिर्फ दिल्ली NCR में ही हैं, बट ये धीरे 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 अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ा रहे हैं और नए नए आउटलेट्स खोल रहे हैं, जैसे कि इन्होंने शार्क टैंक में बताया था। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, इनके प्रोडक्ट्स को ओपन करते हैं और जायका आप तक पहुँचाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने वही प्रोडक्ट्स मंगाए हैं जो इन्होंने शार्क टैंक में शार्क्स को खिलाए थे। फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमने मंगाया है इनका, वो है तंदूरी पिज़्ज़ा। चलिए, दिखने में तो भाई बहुत बेहतरीन लग रहा है, जायका आप तक खा के पहुँचाएंगे। दूसरा प्रोडक्ट है ये है इनकी गार्लिक ब्रेड। दूसरा प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है वो इनका गार्लिक ब्रेड। दिखने में एज़ कम्पेरिजन पिज़्ज़ा थोड़ा सा ये मेरे को ओवर कुक लगी, आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ी सी ओवर कुकड है, बट चलो वो हो जाता है। बट जायका मेरे को लग रहा है कि इनका बहुत बेहतरीन होने वाला है, टेम्पटिंग लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो चलिए सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का जायका चाहते हैं, उसके बाद हम आपको गार्लिक ब्रेड का जायका दिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है जो पिज़्ज़ा गैलेरिया की, वो आम पिज़्ज़ा से या और जितने ब्रांड्स मार्केट में हैं उससे अलग क्यों है। जो इनके डो होते हैं वो फ्रेशली हैंडमेड होते हैं और इनको ये खुद प्रिपेयर करते हैं। जो दूसरी बात है वो और ब्रांड से अलग क्यों करती है, क्योंकि इनके जितने प्रोडक्ट्स हैं वो 100% वेज हैं। और अगर मैं इनकी जोमेटो पे रेटिंग की बात करूं, तो इनकी जोमेटो पे रेटिंग 4.2 से स्टार्ट होके 4.9 तक जाती है, क्योंकि हमारी रेटिंग 4.2 से लेके और गोहाना की हमारी रेटिंग 4.9 है। हम वही प्रोडक्ट्स और वही जायका आप तक दिखा रहे हैं जो कि इन्होंने शार्क टैंक में शार्क्स को खिलाए थे। अमन गुप्ता ने इनके प्रोडक्ट को बहुत बेहतरीन बताया था। तंदूरी पनीर पिज्ज़ा बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ऑरेगानो डाल दिया, थोड़ा सी मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल रहा हूँ। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो मेरे को ये मिला है तंदूरी पिज़्ज़ा 179 का। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो ना आप जो इनका बेस है वो चेक करिए, आप इसकी थिकनेस चेक करिए। जो बाहर मार्केट में जो बेस मिलते हैं वो काफ़ी थिन होते हैं, बट जो इनका जो बेस है काफ़ी हैवी लग रहा है मेरे को। चलिए इसको ना इसका चीज़ पुल देखते हैं कि निकलता है कि नहीं। चीज़ पुल तो नहीं आया, थोड़ा सा है क्योंकि ये ठंडा हो गया, बट हाँ खाने में देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। फर्स्ट फ्लेवर जो मेरे माउथ को हिट किया वो किया इनकी तंदूरी मायो, बहुत बेहतरीन जायका आया, थोड़ी सी स्पाइसी है जैसे कि तंदूरी मायो होती है। पिज़्ज़ा सही है, बेस की क्वालिटी अच्छी है, पिज़्ज़ा ठीक लगा मेरे को। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ बहुत बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है, आप भी इसको खा सकते हैं। ऊपर स्टफिंग की बात करूँ तो मेरे को पनीर, बेल पेपर्स और रेड येलो दोनों मिली है। फर्स्ट चीज़ जो मैंने आपको बताई कि जो एक क्लेम करते हैं कि जो इनका डो है फ्रेश, और जो एक जो सेकंड पॉइंट है वो अलग है कि वो कहते हैं कि जो इनका जो चीज़ है
वो मसलर चीज़ नहीं है, ये इनका लिक्विड चीज़ है जो कि ये खुद प्रिपेयर करते हैं। वाकई में टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है। मोज़िला चीज़ अपनी जगह पे है, लिक्विड चीज़ की क्वालिटी अपनी जगह पे है, अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना स्वाद है, मेरे को ठीक लगा। आप भी मंगवा सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट ओपन करते हैं। प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है काफ़ी अच्छी है, ध्यान रखा गया है कि ये इको फ्रेंडली है, प्लास्टिक नहीं है, ये काफ़ी अच्छी चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखा है उन्होंने। जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा ओवर कुक लग रहा है, बट क्या पता इसका जायका बहुत बेहतरीन हो। तो जो मैंने ये ब्रेड मंगाई है वो स्टफ़ गार्लिक ब्रेड है। चलिए इसको सबसे पहले तो ना अंदर से स्टफिंग दिखाते हैं आपको। ये देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन तो लग रहा है वाओ, बहुत ही बेहतरीन है। अंदर चीज़ भर गई है और अंदर कॉर्न है, लिक्विड चीज़ है, जो कि ये क्लेम करते हैं कि लिक्विड चीज़ इनका बहुत सुपर है, बट इसमें मेरे को एक, ये देखिए आप, ये देखिए साथ में लिक्विड चीज़ के साथ साथ इन्होंने इसमें मोज़रेला चीज़ भी डाला हुआ है। और हालांकि हमने इसको बहुत देर पहले ऑर्डर किया था, बट ये स्टिल आप देख सकते हैं इसमें से धुआं आ रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए इसकी एक बाइट लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेरे को फर्स्ट फ्लेवर आया वो आया कॉर्न का, मोज़रेला चीज़ आया, लिक्विड चीज़ आया, ऑर्गेनो चिल्ली फ्लेक, और टेस्ट सही है, बहुत बढ़िया है। दिखने में ये ओवर कुक लग रही थी बट है नहीं, जलवा है हमारा, सही है, बहुत बढ़िया है ओवरऑल। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछें अगर मैं तो, ये मतलब बहुत सही है। तो अगर मैं इसको ओवरऑल रेट करूँ तो ये है 8 out of 10। दोनों प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आप भी इसको मंगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है कि ऐसी मैं रिव्यू वाली वीडियो आप तक पहुँचाऊँ तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।